उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है? सिपाही पिछले दरवाजे के लिए मेंढा तैयार कर रहे हैं हुजूर। दोपहर के वक्त फौज कूच के लिए तैयार होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब, हमने कल ही बात की है कि किताही के तैकफूर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या इस हमले से हमारे और दूसरे सरदारों के ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचेगा? किताई का वो तकफूर अपनी जुबान की वजह से नहीं बल्कि गद्दारी की वजह से निशाने पर है। क्या हम कुछ जानते हैं जनाब? उसने इजनिक और बुरसा के तकफूरों को सारी सूरत हाल से आगाह किया है, उनसे अहकाम लिए और हमसे मुआहदा करने आ गया। हमारी पीठ में छुरा घोंपे का मौका मिलते ही, और सिर्फ वही नहीं, वो याकूब सरदार भी इत्तेफाक करना चाहेंगे। मैं ऐसी सोच रखने वालों को अपना गुलाम तो क्या, अपनी दहलीज का कुत्ता भी ना बनाऊं। और हाँ, किताई से मिलने वाला माल गनीमत तकफूरों में तकसीम किया जाएगा। ऐसे ही उन सब का मुंह बंद रखा जा सकता है। जो आपका हुक्म। कुछ लोग आ रहे हैं इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम सोलगुरागा। हाय माशाल्लाह। खुश आमदीद। आइए आइए। इस मुबारक जिहाद की राह में आपके पीछे खड़े होने वाले जंगजू शेर लाया हूं अपने साथ। हर एक जंगजू अपने दिल में गाजी बनने की नियत यहाँ लेकर आया है, जंग के लिए हाजिर है। ए माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्हीं जवानों की वजह से बहुत सी जंगें, बहुत सी लड़ाइयां और बहुत सी फतुहात हासिल करेंगे, गाजी बनकर लौटेंगे। इंशाल्लाह उस्मान साहब इंशाल्लाह। अनूर, हुक्म करें। हम शाम से पहले किताई पहुंच चुके होंगे। अब जाइए, तैयारियां मुकम्मल कीजिए। समझे, हो गया। कबीले, हम मंगोलों की तलवारों से नहीं बच सकते। तुम लोगों के हर कबीले पर हमला शुरू हो चुका है। अब तुम लोग मौत के घाट उतारे जाओगे। मेंढा तैयार है हुजूर। हाँ, शुक्रिया। ओनूर। जी हुजूर। तुम महासर की सरबराही करोगे और सीढ़ियों के जरिए दीवार पर चढ़ोगे। मैं बोरान और सिपाही पीछे का दरवाजा तोड़ने के लिए मुड़ जाएंगे, और ये मेरे साथ होगा।
जनाब सिपाहियों से खबर आई है, मंगोलों ने उरा सरदार के कबीले पर हमला कर दिया है। जासूसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर अब हमारे अलावा हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। महासर के हथियार जंगल में ले जाओ, अभी हम कबीले जाएंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती की उस्मान का साथ देकर। मंगोल हर जगह छा चुके हैं, कहाँ है तुम्हारा उस्मान? चुप कर बैठा है हाँ? वो यहाँ नहीं है, लेकिन तुर्क बहादुर तुम्हारे मुकाबले के लिए यहाँ मौजूद है। इस जंग का आगाज मेरे भाई की मौत से हुआ, अब तुम सब मेरे सामने घुटने टेकोगे, और कोई रास्ता नहीं है। हरगिज नहीं। तुमने हमारे जंगजू और कबीले के लोगों पे हमला किया है, इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मंगोल हिसाब नहीं देते। हम फैसला कर चुके हैं, जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको जलाकर राख कर देंगे, एक शख्स को भी नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, और खून नहीं बहेगा। मुमकिन नहीं, तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, उस्मान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुर्कों की आजादी तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मारना लो तब तक अपनी तलवारों से हमला करते रहो, कोई जिंदा ना बचे, कोई नहीं। सिपाहियों, आज मौत हमें नहीं इन काफिरों को ढूंढेगी। आ जाओ। Oh,
अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये मत समझो कि तुम जीत गए उस्मान, हम मंगोल तुम्हारा इस जमीन पर रहना दुश्वार कर देंगे। वो जमीन खून से ली है, उनकी हिफाजत भी खून से ही करेंगे। किस किस को बचाओगे उस्मान? सब कुछ खत्म हो चुका और अब तुम्हारी बारी है, आओ करो सामना मेरा। सिपाही तैयार करेंगे, अमीर रो करेंगे, मगर आजादी तुर्कों से कोई नहीं छीन सकता। आज ये जगह तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी उस्मान, अब तुम्हें यहाँ से आजाद सिर्फ मौत ही करवा सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम तन्हा रह जाए, हम लोग ये सरजमीने कभी किसी को नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर। कसम खाता हूं कि तुम सबको इन सरजमीनों से निकाल बाहर करूंगा। तुमने मेरी कौम पर बहुत जुल्म और सितम किया। अगर तुम्हें इन सरजमीनों से ना निकाला मैंने, तो मुझे उस्मान सरदार मत कहना। यहाँ तुम लोग मेरे हाथों मारे जा रहे हो और वहाँ गोरकुलोहान तुम्हारा शहर जला रहा है। हर तरफ से तबाही तुम्हें घेर चुकी है उस्मान। खाई के सिपाहियों, उठ जाओ। अल्लाह हू अकबर। आज का दिन हिसाब का दिन है। अल्लाहु अकबर। आज तुमसे खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। साथियों, किसी एक का भी सर बचना नहीं चाहिए। Ah!
आज हम लोग सारे हिसाब बराबर करेंगे। चलो सिपाहियो। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारी मौत से अपना इंतकाम लूंगा। ये सरजमीन जहां तुम इंतकाम लेने आए तुम्हारी कब्र बनेगी। इंतकाम लोगे मुझसे? होते कौन हो तुम? हाँ होते कौन हो तुम? हाँ कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी जुर्रत? जब तक तुम बेगुनाहों पर हमला करते रहोगे हम सबको अपने खिलाफ पाओगे। मकसद में कामयाब हो चुके हैं। हम भी झड़ रहे ठीक तो है ना? जी ठीक हूं जनाब। सिपाहियों जख्मियों को देखो फौरन और ये आग बुझाओ जल्दी। जनाब हम यहां संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। शहर जाएं रियासत आले उस्मान की खातिर। फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी होगी। हिम्मत वही अदा करेगा, बेशक वो अदा करेगा। चलो सिपाहियों हम यानी शहर जाएंगे।